वीडियो 8A लेसन 8 डिवीज़न विथ डेसिमल नंबर्स। आज हम इस वीडियो 8A में लेसन 8 का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल्स मींस क्या होता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका डेसिमल का, तो उस पर बेस्ड आज हम वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं। तो देखिए थोड़ा इस बारे में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल। डेसिमल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? नंबर्स विथ अ पॉइंट आर कॉल्ड डेसिमल नंबर्स। अगर कोई नंबर्स डेसिमल के पॉइंट के साथ है तो हम उसे डेसिमल नंबर्स कहते हैं, क्योंकि जैसा कि लेसन 8 का नाम है डेसिमल्स विथ डिवीज़न। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि डेसिमल्स के बारे में, ठीक है, कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में इसके, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ डेसिमल नंबर, डेसिमल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो क्या होते हैं डेसिमल के? टू पार्ट्स होते हैं, एक तो होल नंबर और डेसिमल नंबर। होल नंबर क्या होता है? जो पॉइंट होता है, जो डेसिमल होता है, उससे लेफ्ट की ओर का भाग होल नंबर्स होता है और राइट की ओर का भाग डेसिमल पार्ट होता है, और इसे हम डेसिमल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम रीड करें तो कैसे रीड करेंगे? 23.75, 75 नहीं, 75। पॉइंट के फाइव पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं उनको अलग अलग पढ़ा जाता है। ध्यान रखना इस बात का, ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है कि पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं उनके डिजिट्स को अलग अलग रीड किया जाता है। 75 कहा जाएगा इसे, ना कि 75। इस सेट का तो 23 होगा, लेकिन इस सेट का राइट पॉइंट से राइट सेट की ओर का नंबर्स के डिजिट्स को अलग अलग रीड किया जाएगा, ठीक, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। अ डेसिमल पॉइंट इज़ अ पॉइंट और डॉट यूज टू सेपरेट द होल नंबर पार्ट फ्रॉम द डेसिमल पार्ट ऑफ अ नंबर। जो पॉइंट होता है ये क्या करता है, इसका काम क्या है, होल नंबर्स और डेसिमल नंबर पार्ट को अलग करने के लिए किया जाता है। होल नंबर और डेसिमल नंबर पार्ट को अलग करने के लिए किया जाता है, समझ गए आप लोग। अगर हम एनी नंबर, जैसे एग्जांपल्स की बात करें अगर हम, तो यह मैंने एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल है 17.45। अगर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें, तो कैसे लिखेंगे? 10 प्लस 7, 4/10 और 5/100। 4/10, 5/100, यहाँ 6 होता तो 6/1000, जो भी नंबर्स उसके बाद हो जाए, जैसे 2 होता तो 2/10,000, इस तरह से 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, इस तरह से नंबर्स को रीड करते जाते हैं, लिखते जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है? तो प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। देखो, द पोजिशन ऑफ अ डिजिट इन अ डेसिमल नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुम बताएं, फरहान को दिला देते हो फोन डॉक्टर, मुझे तो बस नन्ना सा फोन डॉक्टर दिलाते हो। तो इसमें क्या है, हम अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट की। तो प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या होता है, तो होल नंबर पार्ट इससे आपको बताया था मैंने, जैसे कि एग्जांपल से भी लिया था। तो पॉइंट से, जो डेसिमल पॉइंट होता है, डेसिमल नंबर से पॉइंट के लेफ्ट साइड को, लेफ्ट साइड का पार्ट होल नंबर पार्ट होता है और राइट साइड का पार्ट, डेसिमल पार्ट होता है, ठीक है। तो वंस आता है पहले, फिर टेंस आता है, 100, 1000, 10,000। इस साइड में टेंस, टेंस ऐसे लगेगा, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ठीक है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1/10, 1/100, 1/1000। तो अगर हम बात करें फ्रैक्शंस, कैन वी आल्सो एक्सपेंडेड
एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल फ्रैक्शन, 1/10 को 0.1, 1/1000 को 0.001, 25/10 को, तो एक बात ध्यान रखना जितने जीरो होते हैं नीचे उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं लास्ट में, लास्ट से, तो 5 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 2.5, अब यहाँ 20 हैं तो लास्ट में 4 और 3 के बाद, क्योंकि 20 हैं तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 4 और 3 के बाद यानी 2.34, इस तरह से 1 एंड 1/10, तो 1 ऐसे रहा और 1/10 का 0.1 होता है, इस तरह से करेंगे। तो स्टूडेंट्स सिंपल है ये, अब ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया तो मैं समझता हूँ आपको बेसिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैंने जैसे कि और एग्जांपल्स भी दिए हैं, देखो स्टूडेंट्स और एग्जांपल्स हैं, ठीक है, फ्रैक्शन कैन भी इस तरह से मैंने लिए हैं तो कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल मैंने आपको एक्सप्लेन किया और ये लेसन नंबर सिक्स में भी है, लेकिन आज मैंने आपको इसलिए समझाया था कि आपका रिवाइज हो जाए। आपने कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम एक बार रीड कर चुके होते हैं, समझ चुके होते हैं, लेकिन बार बार वो चीज़ें रिवाइज होना हो जाना चाहिए। तो आज मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल एक्सप्लेन किया कि इस तरह से कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल होता है, कैसे क्या है ये सब। तो स्टूडेंट्स अगर इसको लेकर कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं, और वैसे भी मंडे को इस पर बेस्ड एक जूम क्लास लेंगे और जूम क्लास में क्या है इसको हम कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल को आपको समझाएंगे, ठीक है। तो आप वीडियोस को ज़रूर देखें, समझें, कोई डाउट या क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पुट अप करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू, बाय।